पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस में थोड़े ही समय के मेहमान लग रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। आदमपुर उपचुनाव के दौरान बापू बेटे की इस सुपरहिट जोड़ी के कांग्रेस से बाहर जाने का रास्ता भी साफ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने जिस प्रकार से किनारा किया है, उससे साफ है कि कांग्रेस को अपनी जेब की पार्टी बनाने की कोशिश अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काफी भारी पड़ने वाली है। राजनीतिक हलकों में अब चर्चाएं भी चल पड़ी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये कांग्रेस से बाहर मिलेंगे। चर्चाओं के साथ कांग्रेस का इतिहास भी जुड़ा है। हरियाणा कांग्रेस में जब जब बाप बेटे की जोड़ी हिट हुई है, उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की। 1990 के दशक के आसपास चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह कांग्रेस में हेवी वेट हो गए थे। वो कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने लगे थे। इसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भजनलाल को फ्री हैंड दे दिया। चौधरी भजनलाल ने इस मौके को कैच कर लिया। इसके चलते चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह पार्टी में साइडलाइन लगने आरंभ हो गए। हालात ये आ गए कि चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह को 1996 में कांग्रेस को छोड़कर हरियाणा विकास पार्टी का गठन करना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं 2005 के आव चुनाव की। 2005 के अंदर चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में काफी बड़े कद के नेता बन गए थे। चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने इस चुनाव में अपने समर्थकों को जमकर टिकट बांटी। कुलदीप बिश्नोई इस दौरान राहुल गांधी के काफी करीब हो गए थे, लेकिन चौधरी भजनलाल और सोनिया गांधी की ट्यूनिंग ज्यादा दमदार नहीं थी। इसका कारण था नरसिम्हा राव की सरकार में चौधरी भजनलाल का योगदान। हरियाणा में 2005 का आम चुनाव कांग्रेस को चौधरी भजनलाल ने अपने दम पर लड़ाया। कुलदीप बिश्नोई उस चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। उस चुनाव में बाप बेटे की ये जोड़ी सुपर हिट रही। 68 सीट कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन सीएम बनने की बारी आई तो सोनिया गांधी ने चौधरी भजनलाल को दरकिनार कर रोहतक से सांसद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया। कांग्रेस हाईकमान को लगने लगा था कि यदि चौधरी भजनलाल को इस बार सीएम बना दिया तो इनका कद हाईकमान से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने सीएम का पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया। इससे नाराज होकर चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी यानी हजका बना ली। अब ये दोनों इतिहास एक बार फिर से दोहराते हुए दिखाई देने लगे हैं। चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह तथा भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई की तरह वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस हाईकमान पर लगातार दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस इन दोनों बाप बेटे की जेब में आ चुकी है। हाईकमान ने अब इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी को किनारे लगाने का प्लान बनाना आरंभ कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला को अब कांग्रेस हाईकमान आगे लाने का प्रयास कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद्दे लाइन लगाने का प्लान धरातल पर लाने की तैयारी में है। वहीं कुछ रणनीतिकारों का कहना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ेगी। अगर परिणाम सार्थक रहे तो बाप बेटे की जोड़ी विधानसभा चुनावों में उतारी जाएगी, लेकिन सीएम पद पर रणदीप सुरजेवाले को ही आगे किया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपनी अलग नई पार्टी बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।